हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटो रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज हमारे साथ फाइनली अवेलेबल है हीरो मोटो कॉर्प की एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन की 2022 मॉडल। जी हां फ्रेंड्स, नई मॉडल है तो क्या चेंज आपको देखने को मिल सकती है, कितने प्राइस पॉइंट पे ये बाइक अभी आपको मिल सकती है, क्या फीचर और स्पेसिफिकेशन के साथ अभी कंपनी आपको ऑफर कर रही है, चलाते वक्त आपको कैसा ये बाइक फील दे सकती है, यही सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू हाईटेक हीरो फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं, कोई भी हीरो की व्हीकल खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल हाईटेक हीरो को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 2022 हीरो एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन का वॉकराउंड स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली कलर्स के बारे में बता दूं। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टेल्थ एडिशन में आप लोगों को सिर्फ यही कलर देखने को मिल जाती है। मैं क्लोजअप में जाकर आप लोगों को कलर दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं ग्लॉस ब्लैक और काइंड ऑफ मैट ब्लैक फिनिश में आप लोगों को यहाँ पर ये पूरी गाड़ी देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं हीरो की, यहाँ पर आप लोगों को स्टिकरिंग देखने को मिलती है। एक्सट्रीम स्टेल्थ आप लोगों को यहाँ पर 3D में देखने को मिल जाती है, पीछे भी 160R आप लोगों को स्टिकरिंग में देखने को मिलती है। और अगर आप यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो ये भी सिल्वर कलर की स्टिकरिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर ये पैनल जो आप देख रहे हैं ये भी आप लोगों को फाइबर की मिल जाती है। और अगर अब मैं आप लोगों को इसकी जो स्टैंडर्ड जो एडिशन उसके कलर के बारे में बताऊं तो चार कलर आप लोगों को और देखने को मिलती है, पर्ल सिल्वर व्हाइट, वाइब्रेंट ब्लू, स्पोर्ट्स रेड एंड 100 मिलियन लिमिटेड एडिशन। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी प्राइस के बारे में बताऊं तो वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से इसकी जो अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस बन सकती है वो है 1,46,511 रुपीज़। बाकी आपके एरिया में ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। अब मैं इसकी थोड़ी जो अपेयरेंस उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर ये बिल्कुल दिखती है, ये जो टैंक की शेप है ना इसकी वजह से भी ज़्यादा मतलब मस्कुलर ये दिखती है। और साथ ही आप एक चीज़ देखिए, टैंक से जो पैनल निकल रही है पूरी यहाँ पर ये मिड सेक्शन तक आ रही है, जो आप कह सकते हैं इसकी जो लुक है वो और ज़्यादा खास बना देती है। बाकी कंपनी बहुत ज़्यादा फीडबैक पर काम करती है अपनी कस्टमर्स की, आप देख सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पर फीडबैक थी अबाउट अदर रियर सीट मतलब पिलियन सीट एंड अबाउट इस ग्रैब रेल, तो ग्रैब रेल को भी चेंज कर दिया गया है। जो पिलियन सीट था आप कह सकते हैं जो सीट है उसको भी कंपनी ने अपग्रेड कर दिया गया है, कंपनी की तरफ से अपग्रेड कर दिया गया ताकि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी फ्रंट व्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक मतलब कह सकते हैं रोबोटिक टाइप का आप लोगों को यहाँ पर लुक बिल्कुल मिल जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को इसकी लुक कैसे लगती है और कौन सी कलर आप लोगों को इस बाइक की सबसे ज़्यादा पसंद है। और चलिए अब इसकी जो एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। सामने से अगर आप देखते हैं तो कोई वाइजर वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, साइड से अगर आप देखते हैं पूरी तरीके से एक नेकेड लुक आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। बाकी यहाँ पर अगर मैं की ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो LED DRL है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, यहाँ पर जो हेडलैम्प है अगर आप लोग यहाँ पर इग्निशन ऑन करते हैं तो ये जो हाई बीम है लो बीम उसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट इन सेगमेंट आप कह सकते हैं एक जो चीज़ कंपनी ने यहाँ पर डाली है वो है LED विंकर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हैजार्ड लैंप यहाँ पर कंपनी ने डाली हुई है। अगर आप हैजार्ड लैंप ऑन करते हैं तो मतलब सेगमेंट में दूसरी गाड़ी के पास हैलोजन किया, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से कंपनी ने यहाँ पर इसको LED की बनाई है। तो ये आप कह सकते हैं कि कंपनी ने इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रीमियम बनाने की कोशिश की है, इसलिए पूरी तरीके से जो लाइट की सेटअप है उसको LED में डाला गया है। और चलिए अब यहाँ पर जो की है हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं और चलते हैं थोड़ी सी नीचे, बात करते हैं यहाँ पर इसके मडगार्ड के बारे में। इसकी जो क्वालिटी है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तगड़ी है, फाइबर की आप लोगों को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप टायर पे आते हैं तो आप कह सकते हैं बेस्ट इन द सेगमेंट है। 100/80 सेक्शन की यहाँ पर आप लोगों को टायर मिल रही है विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी यहाँ पर टायर की जो अपेयरेंस है बिकॉज ऑफ दिस रेड स्टिकरिंग आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। आगे आप लोग मुझे बिल्कुल बताएगा कि आप लोगों को देखने में कैसी लग रही है। सेफ्टी की जहाँ तक बात है मैं बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को सिंगल चैनल ABS मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ABS की स्टिकरिंग भी यहाँ पर की गई है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में अगर मैं यहाँ पर इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊँ, 276 mm की पेट्रोल डिस्क मिल रही है। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ पेट्रोल डिस्क है तो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये हेल्प करेगी। साथ ही यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ ये जो रिफ्लेक्टर है वो भी यहाँ पर दी गई है। और सस्पेंशन आप जो देख रहे हैं ये जो नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक है वही यहाँ पर दी गई है, 37mm की टेलीस्कोपिक फोक है विथ एंटी फ्रिक्शन बुश। एंड मैं बता दूँ ये शोवा की तरफ से आप लोगों को मिलती है। कैसी है मतलब सस्पेंशन हो चाहे ब्रेकिंग हो चाहे टायर की, यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्मेंस आप लोगों को मिलती है वो मैं आप लोगों को आगे बिल्कुल जो राइड रिव्यू है उसके दौरान मैं बताने की कोशिश करूँगा। और चलिए अब इसकी जो इंजन है उसके बारे में बात करते हैं। 163cc ट्विन वैल्व OAC एयर कूल्ड इंजन आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाती है। 15.2 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है 8500 RPM पे एंड 14 Nm की मैक्सिमम टॉर्क मिलती है 6500 RPM पे। अब मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि कंपनी दावा करती है कि यहाँ पर 0-60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ये सिर्फ अचीव कर सकती है ओनली इन 4.7 सेकेंड्स। और ये इसलिए भी हो सकती है, देखिए यहाँ पर इसकी जो वेट है वो आप कह सकते हैं वो भी बेस्ट इन द क्लास है, 138.5 किलोग्राम की इसकी वेट है। तो आप कह सकते हैं
पावर टू वेट रेशियो यहाँ पर जो है ना इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा कमाल की है, इसलिए जो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी कमाल की है। बाकी मतलब प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करती है आगे राइड रूट के टाइम पर मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। तो ये जो 0 to 16 4.7 सेकंड जीरो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इन द सेगमेंट है, और प्रीमियम सेगमेंट होते हुए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो किक रॉड है कंपनी ने उसको नहीं हटाया है। आप देख रहे हैं ये ब्रेक लीवर, इसकी भी क्वालिटी बहुत सही है, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ताकि आपकी जूती यहाँ पर इंजन के साथ टच ना करे उसके लिए यहाँ पर इसको भी रखी गई है। और थोड़ी सी पीछे अगर आप और आ जाते हैं अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एग्जॉस्ट की, तो बहुत छोटी सी प्यारी सी कॉम्पैक्ट सी एग्जॉस्ट यहाँ पर दी गई है, और जो गार्ड देख रहे हैं मफलर गार्ड इसको भी यहाँ पर मेटल की बनाई गई है। बाकी ये साउंड कैसे करती है आगे मैं आप लोगों को बिल्कुल अभी सुनाने वाला हूँ। और अगर मैं यहाँ पर अभी पूरी तरीके से रेयर सेटअप की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आप टायर देख रहे हैं ये आपको 130x70 सेक्शन की मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन हाँ ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को रेडियल टायर मिल रही है। अब मैं हर वक्त कहता हूँ रेडियल टायर है तो टायर के साथ रोड की जो ग्रिप है वो सही बनती है, और इन टर्न आपकी जो सेफ्टी है वो और ज़्यादा एनहांस होती है। ब्रेक की अगर बात की जाए अगेन यहाँ पर पीछे आप लोगों को 220mm की डिस्क मिल रही है पेट्रोल डिस्क, ठीक है मैंने आपको ऑलरेडी कहा है पेट्रोल डिस्क हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सस्पेंशन की जहाँ तक बात है मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी खास चीज़ दी गई है, ठीक है 7-स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आप इसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। और आप देखिए जैसे यहाँ पर आप इसके रियर सेक्शन में आते हैं तो अगेन जो LED जो विंकर्स है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, साथ ही ग्रैब रेल देखिए बहुत सही है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में बताया है। और अगर आप इसकी रियर लैम्प देखते हैं तो आप देख सकते हैं स्मोकी यहाँ पर आप लोगों को ये रियर लैम्प देखने को मिल जाती है जो कि बिल्कुल LED की है, और शेप यहाँ पर एच शेप की आपको दिखती है। और बाकी आप लोगों को ये देखने में कैसी लग रही है बिल्कुल नीचे कमेंट में लिख कर बिल्कुल बताइएगा। जैसे आप यहाँ पर ये लेफ्ट पोर्शन में आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप जो ये लेग गार्ड देख पा रहे हैं इसकी भी जो क्वालिटी है बहुत सही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स सिस्टम स्विंग आपको मिल रही है। जहाँ तक बात है ये चेन की तो यहाँ पर आपको ये ओपन चेन सिस्टम मिलती है 300-400 किलोमीटर की रेंज पे, क्योंकि अब ये मॉनसून का भी समय आ गया है तो आपको इसको क्लीन और ल्यूब करना होगा ताकि चेन की लाइफ और इसकी जो परफॉर्मेंस है दोनों आपको सही मिल सके। बाकी यहाँ पर आपको मेन स्टैंड तो दिख ही रही है, साथ ही अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको मिल जाती है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, काम भी कितना बेहतरीन तरीके से करती है आगे मैं आप लोगों को राइड रिव्यू के टाइम पे बिल्कुल बताऊंगा। और चलिए थोड़ी सी अब ऊपर आ जाते हैं और बात करते हैं इस बाइक की डायमेंशंस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर अगर सीट हाइट के बारे में बात किया जाए तो 790mm की यहाँ पर आप लोगों को सीट हाइट मिलती है। स्ट्रेट मतलब ये बनता है कि आपकी हाइट अगर 5.5 इंचेस तक की है आप बिल्कुल कंफर्टेबली इस बाइक को राइड कर पाएंगे। बाकी कितना कंफर्टेबल सीट है ये सारी चीज़ें वगैरह मैं आप लोगों को राइड रिव्यू के टाइम पर बताऊंगा। और फ्यूल टैंक की जहाँ तक बात है 12 लीटर तक की आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक मिलती है। आशा कर सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप लोगों को एटलीस्ट 50 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज मिल जानी चाहिए अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर रेव नहीं कर रहे हैं टाइम टू टाइम सर्विस पर डाल रहे हैं तो, ठीक है ये राइडर पर भी डिपेंड करता है राइडिंग कंडीशन पर भी बिल्कुल डिपेंड करता है। बाकी अगर आप लोग इस बाइक को चला रहे हैं तो क्या है आपका एक्सपीरियंस कितना माइलेज मिल रहा है बिल्कुल नीचे कमेंट पर मेंशन कीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को 167mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, मतलब समझ सकते हैं अगर आप डेली राइड्स के लिए अगर आप इसको प्रेफर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने कर्व वेट के बारे में ऑलरेडी आपको बताया है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड एडिशन पर जाते हैं अगर आप लोग ड्रम एडिशन पर चले जाते हैं तो उसकी वेट बनती है 138.5 किलोग्राम की, और अगर आप डिस्क एडिशन पर आते हैं तो उसकी वेट बनती है 139.5 किलोग्राम की। ये भी आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द लाइटेस्ट बाइक्स इन द सेगमेंट है, ठीक है मतलब इस बाइक में ना सब कुछ या तो फर्स्ट इन द सेगमेंट है या तो बेस्ट इन द सेगमेंट है, ठीक है आप मतलब समझ सकते हैं। बाकी बाइक आपको लग कैसी रही है बिल्कुल नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारी फीचर कंपनी और प्रोवाइड करती है, जैसे कि मान लीजिए ऑटो सेल टेक्नोलॉजी जिसको माइलेज कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्या है यह टेक्नोलॉजी आगे हम लोग राइड रिव्यू के टाइम पर इसके बारे में बात करेंगे। एक्सेस टेक्नोलॉजी डाली गई है, ठीक है ताकि आप लोग की जो ओवरऑल राइड जो एक्सपीरियंस है उसको सही बनाया जा सके। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर यह प्रोग्राम डिफाई जो लिखी गई है वो इसी एक्सेस टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। बाकी बैकिंग सेंसर डाला गया ताकि एक्सीडेंट के टाइम पर जब सडन एंगल पर आपकी बाइक लीन होती है तब भी आपकी जो इंजन है वो शट डाउन हो जाती है ताकि आपको एक्सीडेंट के टाइम राहत दिया जा सके, ठीक है। और बाकी यहाँ पर और सारी जो फीचर्स है उसके बारे में हम लोग राइड रिव्यू के टाइम पे बात करेंगे। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है हैंडल बार की तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है बहुत सही है। देखिए पास लाइट का स्विच, ये हाई बीम लो बीम का स्विच, ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर हैजार्ड लैंप का स्विच आपको मिल रही है, और यहाँ पर टर्न सिग्नल का स्विच है इसका भी मतलब टर्न सिग्नल का जो ये स्विच की जो क्वालिटी है ये भी बहुत सही है। नीचे सबसे पहले मैं इसको जो की ऑन कर देता हूँ, नीचे हॉर्न का स्विच ना हॉर्न इज डिसेंट, बहुत ज़्यादा लाउड में नहीं कहूँ। और जैसे आप यहाँ पर राइट साइड पे आते हैं तो किल स्विच और इग्निशन ऑन ऑफ करने का स्विच आपको इंटीग्रेटेड मिलती है। और चलिए अब मैं इसकी जो इंजन साउंड है वो भी आपको सुना दूँ। बाकी फ्रेंड्स आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इसकी जो साउंड है आपको बहुत ज़्यादा बेसियर तो बिल्कुल फील होती है, साथ ही इंजन की जो रिफाइनमेंट है वो भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से फील होती है। अब मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पर फीचर वाइज बता दूँ, अगर ऑन द गो कभी आपकी मोबाइल में अगर चार्ज आउट हो जाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग के लिए एक सॉकेट यहाँ पर दी गई है, या फिर अगर क्रिएटर लोग हैं अगर गोप्रो वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप बिल्कुल इसके साथ चार्ज कर सकते हैं। और अब चलिए
यहाँ पर जो फर्स्ट इन द सेगमेंट है जो यहाँ पर फीचर कंपनी ने डाली हुई है उसकी वजह से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अगर मैं आपको इसको ऑफ करके ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं पूरा एक स्वाइप लेती है। सर्विस इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिखती है, आपको यहाँ पर ये टैको दिख रही है, यहाँ पर आपको स्पीडो दिखती है, गियर मोशन सेंसर जो बहुत सारी सेगमेंट में और बाइकों में नहीं है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को फ्यूल गेज इंडिकेटर वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, टाइम यहाँ पर दिखता है और स्पीडो यहाँ मतलब ओडो यहाँ पर आपको दिखता है। बाकी मोटर सेट का दो बटन यहाँ पर दिया गया है वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जब आप मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप ए, ठीक है, देन अगेन ट्रिप बी और देन अगेन ओडो पे आ रही है। और अगर आप इसको थोड़ी सी लॉन्ग प्रेस करते हैं, देखिए मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया हुआ है मोड के बटन को, तो यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, ये भी फर्स्ट इन द सेगमेंट आप कह सकते हैं। ये देखिए जब आप सेट का बटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10, 100, 80, 60, 40 देन 20 देन अगेन देखिए 100 पे आते से इसकी जो ब्राइटनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी एक बार मैं इसको ऑफ करके दोबारा ऑन करना चाहूँगा। ये देखिए इंजन मैलफंक्शन लाइट, ठीक है, अगर साइड स्टैंड गिरी हुई है, एक बार जो साइड स्टैंड है उसको मैं यहाँ पर आप लोग को ये गिरा के बता देता हूँ। ये देखिए जैसे यहाँ पर साइड स्टैंड गिरती है, ये देखिए साइड स्टैंड इंडिकेटर भी आ रही है, साथ ही टर्न सिग्नल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ABS की लाइट यहाँ पर है और यहाँ पर जो क्योंकि अभी फ्यूल कम है तो आपको ये फ्यूल का इंडिकेटर है वो भी यहाँ पर दिख रही है। और चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को इस बाइक में मिलने वाले जितने भी फीचर्स थी या फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थी बता दिया। और चलिए अब मैं इसको राइड रिव्यू पे आप लोगों को ले चलता हूँ और बताता हूँ कि एक्चुअल में राइड करते वक्त ये बाइक आपको कैसी फील हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं 2022 हीरो एक्सट्रीम 160 स्टेल्थ एडिशन का राइड रिव्यू। सबसे पहले आप लोगों को की दिखा दूँ, देखिए हीरो ब्रांडिंग और यहाँ पर देखिए हीरो लिखी हुई है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं आपको नेगेटिव यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाती है। लेट्स स्टार्ट। और फ्रेंड्स सबसे पहला इंप्रेशन जब आप गाड़ी पर बैठते हैं ना, सीट कंफर्टेबल है लेकिन सॉफ्ट बिल्कुल नहीं है। मैं सॉफ्ट नहीं कहूँगा बट बिल्कुल कहूँगा कि कंफर्टेबल है। आपके जो हाथ है उसका पोजीशन देख लीजिए, काफ़ी कंफर्टेबल एक पोजीशन पे आपके हाथ बैठी हुई है। आपका जो बैक है हल्का से सामने की तरफ झुका हुआ है और हाँ या फुट पिक्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, हल्का सा रियर फिटेड है ताकि आपको वो एक मतलब कह सकते हैं कि एक स्पोर्टी स्टांस आपको मिल सके जो आपको इस गाड़ी में मिलनी चाहिए, जिस वजह से आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है। और बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो सिटिंग कंफर्ट है आपको यहाँ पर बहुत बेहतर मिल रही है। और साथ ही मैं यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर इंजन की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड ये आपको यहाँ पर बिल्कुल फील होती है। बहरहाल आप देखिए हल्का सा मैं यहाँ पर टर्निंग रेडियस भी देख लेते हैं। ये देखिए बिना पैर रखे मैंने यहाँ पर इसको मोड़ लिया है। तो इंजन की जहाँ तक हम लोग फ्रेंड्स बात कर रहे थे, यहाँ पर आप लोगों को करीबन 160 cc की यहाँ पर इंजन मिल जाती है, 15.2 PS का पावर मिलता है और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर 14 Nm की टॉर्क मिलती है। पावर टू वेट रेशियो आपको यहाँ पर बहुत गजब की मिल रही है, ठीक है। और चलिए अब सबसे पहले क्योंकि मैं यहाँ पर इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्लच के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। इज ऑन मतलब इन ऑन मिड साइड, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है मैं नहीं कहूँगा लेकिन हाँ कंफर्टेबल है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फटिक नहीं होगा लॉन्ग राइड्स के टाइम पर। और हाँ मतलब जो यहाँ पर गियर आप जब शिफ्ट कर रहे हैं ना, मतलब स्मूथ है और हाँ क्लिक साउंड मिल रही है और फ्लिप ये बिल्कुल नहीं है, जितना होना चाहिए शिफ्ट उतनी ही हो रही है। और साथ ही यहाँ पर मैं ये भी कह दूँ फॉल्स गियर वगैरह जो होती है ना वो यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को इंजन के बारे में क्लच गियर के बारे में बता दिया। और चलिए कंपनी क्लेम करती है 4.7 सेकंड्स में 0 to 60 km/h की स्पीड, तो हम लोग भी चेक कर लेते हैं एक्सीलरेशन टेस्ट में कि 0 to 60, 0 to 100 कितना सेकंड्स में जा रही है। लेकिन मैं हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को टॉप स्पीड नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ 0 to 60, 0 to 100 km/h की स्पीड ये कितने सेकंड्स में अचीव कर रही है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और साथ ही इसकी जो ब्रेक टेस्ट है वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हीरो एक्सट्रीम 160R का एक्सीलरेशन टेस्ट। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने गाड़ी को ऑन कर दिया है, हेलमेट का शीशा डाउन, फर्स्ट गियर पर मैंने डाल दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। ये 63 तक सेकंड गियर में, 91 तक थर्ड गियर में गई है, 0 to 60, 0 to 100 आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि यहाँ पर ये 0 to 60, 0 to 100 कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है। बाकी एक चीज़ तो कहना होगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा क्विक है ये बाइक। एक बात तो कहना होगा फ्रेंड्स कि मतलब इवन एट द स्पीड ऑफ 100 ना आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मतलब जो वाइब्रेशन है बिल्कुल मतलब फील नहीं हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है गाड़ी में वो बहुत सही थी। और मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप अगर नॉर्मल सिटी राइड्स कर रहे हैं या फिर अगर आप मतलब हाईवेज पर भी हैं, मतलब 70, 80, 90 के स्पीड पर आराम से क्रूज़ कीजिए, मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और चलिए अब इसकी जो ब्रेकिंग टेस्ट है फ्रेंड्स वो भी करके देख लेते हैं। 0 to 60 पे फ्रंट ब्रेक, देन 0 to 60 पे रियर ब्रेक एंड देन दोनों 0 to 60 पे एक साथ अप्लाई करके देखेंगे। पहले फ्रंट ब्रेक टेस्ट करते हैं। ओहो हो, गजब गजब, बहुत सही है फ्रंट ब्रेक इसकी, मतलब तुरंत आपको एक फीडबैक मिलता है, बाइट इसकी बहुत बढ़िया है। और चलिए अब इसके जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ओ
ओहो, आपको शायद आवाज़ आई होगी, चक्का हल्का से यहाँ पर मतलब लॉक हुआ था। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि पीछे का जो फीडबैक है वो प्रोग्रेसिव आपको मिलती है। एंड अगेन, अगर आप सारी बाइकों में देखते हैं ना, तो पीछे का जो ब्रेक होता है आपको प्रोग्रेसिव दिखता है और सामने का ब्रेक मतलब सही है, मतलब जितना आप स्पीड स्लो करना चाह रहे हैं फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करके स्लो कर लीजिए। और चलिए फ्रेंड्स, आप दोनों को साइमल्टेनियसली अप्लाई करके देख लेते हैं। नाउ दैट्स बेटर। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, मुझे हल्का सा अभी यहाँ पर जो ABS है उसका इंट्रूशन यहाँ पर फील हुआ था। और फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊँ ना, तो देखिए फ्रंट का सस्पेंशन आप कह सकते हैं कि इस मतलब काइंड ऑफ ऑन सॉफ्टर साइड, लेकिन हाँ मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन हाँ सॉफ्ट आप इसको मतलब कंफर्टेबली सॉफ्ट कह सकते हैं। लेकिन रियर जो सस्पेंशन है ना, ये स्टिफ है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामने ये एक बम्प है, ये देखिए, आप जब इसको पार कर रहे हैं ना, तो मतलब बहुत कंफर्टेबली आप इसको पार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके बैक को बहुत ज़्यादा झटका लग रही है। लेकिन हाँ, आपने जब अभी देखा मतलब आप जब मैंने आपको एक्सेलरेशन करके दिखा रहा था, वहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी की कोई यहाँ पर इशू फील नहीं हुई। वो सिर्फ इसलिए आपको फील नहीं हुई क्योंकि यहाँ की जो सस्पेंशन है ना, स्टिफ होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ताकि लॉन्ग राइड्स पर भी आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो, कॉर्नरिंग वगैरह आप कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही अगर आप मतलब स्ट्रेट लाइन पर जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और चलिए, अब यहाँ पर कंपनी ने एक बहुत सही टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, जिसको कंपनी कहती है ऑटो सेल टेक्नोलॉजी। अब देखिए, अभी गाड़ी ये थर्ड गियर पर है और मैंने अभी देखिए क्लच पे से हाथ हटा दिया है, एक्सेलेरेटर पे से मैंने हाथ हटा दिया है थ्रॉटल पे से। ठीक है, अभी देखिए गाड़ी हल्का हल्का ये थ्रॉटल ले रही है और आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये थर्ड गियर पे है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और फोर्थ गियर पे डाल देता हूँ। ये मैंने अभी इसको फोर्थ गियर पे डाल के हल्का सा मैंने जो क्लच है उसको छोड़ दिया है और ये देखिए गाड़ी अभी हल्का हल्का जो है आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो कंपनी इसको ऑटो सेल टेक्नोलॉजी कहती है फ्रेंड्स। मतलब इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि मतलब आप अगर ट्रैफिक पर भी है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं करना होता, आप सेकंड गियर पे डाल के थर्ड गियर पे डाल के गाड़ी को छोड़ दीजिए, गाड़ी हल्का हल्का आगे बढ़ती रहेगी ताकि आपकी जो माइलेज है वो मेंटेन होते रहे। और फ्रेंड्स, एक और टेक्नोलॉजी जो कंपनी ने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ है वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर का। चलिए वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पर साइड स्टैंड को मैं हल्का से यहाँ पर गिरा देता हूँ। ये देखिए गाड़ी बंद हो गई और यहाँ पे देखिए साइड स्टैंड का जो इंडिकेशन है वो भी यहाँ पर आ रही है। और अगेन मैं यहाँ पर अभी साइड स्टैंड को हटा देता हूँ, देखिए इंडिकेशन चली गई है और अब मैं गाड़ी को दोबारा ऑन कर सकता हूँ। तो ये कह सकते हैं कि ये भी बहुत सही चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गाड़ी पर आए, हमारी साइड स्टैंड लगी हुई है, हम गाड़ी पर चल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ती है। तो जैसे आप गियर लगाते हैं गाड़ी आपकी बंद हो जाती है, चलते चलते भी अगर कभी साइड स्टैंड गिर जाती है तो भी आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो कह सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर सेफ्टी में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया हुआ है। और हाँ, अगर मैं आप लोग यहाँ पर मिरर के बारे में बताऊँ ना, तो मिरर में रियर जो व्यू है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक सही दिखती है। बाकी हाँ, मीटर कंसोल यहाँ पर आप थोड़ा सा नज़र नीचे कीजिए, मीटर कंसोल आपको दिख जाती है। पिलियन का जो कंफर्ट है वो भी बहुत सही है। आपका ओवरऑल जो कंफर्ट है राइडर का वो भी यहाँ पर बहुत सही है। तो फिर देर किस बात की है, अपने नियरेस्ट हीरो मोटोकॉर्प के शोरूम पर जाइए, गाड़ी की डिसाइड लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो गाड़ी है बिल्कुल पसंद आने वाली है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, राइड सेफ एंड जय हिंद।